मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस जनवरी के 6 तारीख को आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा आप सबके साथ जो इस पहले हफ्ते में संभालता रहे, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में परमेश्वर का हाथ आप सबके साथ रहेगा, वह आप ही को चलाएगा और जो उस पर भरोसा करते हैं कभी वो नहीं छोड़ता है। आज के दिन भी परमेश्वर का वह अनुग्रह आप देख पाओगे, ठीक है। पवित्र आत्मा के साथ हर दिन हम चल रहे हैं, अपना सफर जारी रख रहे हैं, उसकी आवाज या उसके द्वारा हम चलाए जा रहे हैं। आज वो हमें कैसे चलाने वाला है उसको हम देखते हैं। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 26वें वचन में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहां पर एक शब्द को जरा गौर कीजिए कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हम नहीं जानते। आप भी प्रार्थना करना जानते हो, मैं भी प्रार्थना करना जानता हूं, अच्छी तरह से हम परमेश्वर की स्तुति करना जानते हैं, जिस किसी परिस्थिति में कैसे प्रार्थना करना चाहिए यह भी हम जानते हैं, फिर भी हमारी निर्बलताओं में, हमारी निर्बलता का मतलब हमारी शारीरिक निर्बलता ही नहीं बल्कि हमारे मनुष्यत्व में, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में जब हम निराश हो जाते हैं, एक तरह का दबाव जब हमारे जिंदगी में आ जाता है, अच्छी तरह से प्रार्थना कर रहे होते हैं पर अचानक जो है हम प्रार्थना नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हे परमेश्वर की आत्मा, तुझ पर मैं निर्भर हूं, इस परिस्थिति में कैसे मैं प्रार्थना करूं? हे परमेश्वर, जब हम ऐसा पूछते हैं, नेगेटिव में प्रार्थना करूं या पॉजिटिवली प्रार्थना करूं, या फिर बिना प्रार्थना कर ऐसी छोड़ दूं, या फिर ऐसी तकलीफों को मैं विरोध करूं, या मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, वही जो है हमारा सामर्थ्य भरा समय है, निर्बलता का समय है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से बात करना चाहिए, वह हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए उस समय में, हे परमेश्वर की आत्मा मैं क्या करूं, ऐसा बोलकर अन्य भाषा में, नए नए भाषा में जब हम लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो अन्य भाषा जो है एक विनती के रूप में उसके पास जाती है और वह हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करता है। ऐसे प्रार्थना करते क्या होता है कि आपके मन में, आपकी सोचों में, आपके हृदय में एक धैर्य उत्पन्न होगा। आमेन। यही जो है एक आश्चर्यजनक अनुभव है, निश्चय रूप से आप वो अनुग्रह पाओगे। इसलिए आप उसे जानिए, अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, परमेश्वर आपके लिए भला परमेश्वर बनकर रहेगा, आपकी सभी मांगों को पूरा करेगा, ठीक है। प्रार्थना करते हैं, अभी हम प्रार्थना करते हैं। जनवरी 6 तारीख में परमेश्वर जो अनुग्रह आपको देना चाहता है उसे पा लेते हैं। हे पिता, तेरी स्तुति हो राजा, तेरे बच्चों के साथ जो तूने बात किया है उसके लिए धन्यवाद हो। सही समय पर कैसे हम प्रार्थना करें, जब प्रार्थना हम नहीं कर पाते हैं, जब हम स्तुति नहीं कर पाते हैं, जब बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, सभी तरफ से जब निंदा और वेदना पूरी तरह से घिर जाती है, हे पिता तेरे बच्चों के अंदर जो तूने अभिषेक दिया हो उसे भटका कर शैतान के सिर को कुचलने लायक और तेरे बच्चों को तू जैसे भरपूर करने वाला है, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, पवित्र नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो। आशीषों से भरपूर कर बच्चे, बच्चों के बच्चे, संतति संतति जो है तेरे आशीषों से भरपूर कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हे पिता, आमेन। कितना भला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अनुग्रह रूप से हमसे बात कर रहा है ना। जरूर इन संदेशों को आप दूसरों को शेयर करें, वे भी बल पाएंगे, सामर्थ पाएंगे जो हिंदी बोलते हैं। कितने लोगों को आप शेयर करते हो? शायद तमिल में आप चैट नहीं करते हो तो इंग्लिश में चैट कीजिए। जब मैं देखूंगा तो परमेश्वर की स्तुति करूंगा। जो आशीष आपने पाया है जरूर कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों,
आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दें।